नमस्ते, आज का मुख्य समाचार। 30 के ऊपर कत्ल का केस और 18 लूटमार के केस में शामिल गुनहगार डोगरा पांडे, वली पराई, विठल गुंडू और वरना नायडू इस जंगल में घूम रहे हैं, ये खबर पुलिस को मिली है। डोगरा पांडे की तलाश बहुत सालों से पुलिस को है, अभी तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। उसे पकड़ने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस पहरा लगा रखी है। सर, आप मैप को बंद कर दिए। इसके जरिए डोगरा पांडे को पकड़ सकते हैं ना? पकड़ सकता हूँ, इसे यही रहने दो। इधर लाओ, इसे भी यही रहने दो। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? डोगरा पांडे को कैसे पकड़ सकते हैं? हमसे पहले कितने आए लेकिन कोई भी पकड़ नहीं पाया, सब वापस चले गए, समझे? ससुराल में रहते तो ऐसा मौका नहीं मिलता। महीने में एक कैंप ऐसा मिला तो हमको बहुत मजा मिलेगा। Oh, my God.
डोगरा पांडे को जानते हो? मैं ही डोगरा पांडे हूं। मुझे पकड़ने के लिए आए हो? तुझ में हिम्मत है? नहीं, नहीं, नहीं। तो पकड़ कर ले चल, मुझको छोड़कर लड़की को उठाते हो। खाकी वर्दी पहनने के बाद गांव की सारी लड़कियों को अपनी औरत समझते हो? नहीं, नहीं, नहीं। अधिकार हाथ में है तो कुछ भी कर सकते हो, ये तुम्हारी जागीर नहीं है। ऐसे ही जाओ, कोई भी पूछेगा तो ये मत बोलना डोगरा पांडे को पकड़ने के लिए गया था। मैंने गांव की लड़की को छुआ तो उन्होंने मेरा हाथ काट दिया, ऐसे बोल देना, पुलिस वालों को भी समझ में आएगा, नहीं तो तुझे खत्म कर दूंगा। कलेक्टर, कलेक्टर बहन, कलेक्टर बहन, इस तरह उठाओगे तो मैं नहीं उठूंगी। अगर तुम मुझे मीना बहन कहकर बुलाओगे तो ही उठूंगी। ये बात है मेरी प्यारी मीना बहन, मीना बहन। हाँ, ये हुई ना बात, अब मैं उठ जाऊंगी। मैं चाय लेकर आया हूँ। दांत घिस रही हो? अरे कलेक्टर बहन, दांत घिसने के बाद चाय पियोगी? लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, मैं सूरज निकलने से पहले बासी चावल हो या चपाती हो सब खा लेता हूँ, बाकी भोजन दोपहर के बाद भी कर लेता हूँ बहन। ये लो चाय पियो। सुनो बहन, मैं बहुत मुश्किल से पहाड़ में चढ़कर लकड़ी लाता हूँ, ये सब क्यों करता हूँ पता है? तुझे कलेक्टर बनाने के लिए। हाँ, कलेक्टर के आगे व्हाइट पैंट लाल कैप पहनकर जो चलता है ना, उसका क्या नाम है? अंगरक्षक। हाँ, अंगरक्षक। मैं अंगरक्षक बनकर तुम्हारे आगे से भीड़ को हटाता चलूंगा। ये नहीं हो सकता है। क्यों? उसके लिए पढ़ाई जरूरी है। कलेक्टर को पढ़ना पड़ेगा, अंगरक्षक को भी पढ़ना पड़ेगा। सुनो सुनो बहन, इसको छोड़ो, इसे मेरे हाथ में दे दो। रंगोली बनाओगे? मैं रंगोली देखना भी पसंद करता हूँ और रंगोली बनाता भी हूँ। तुम अभी स्कूल जाओ और मैं रंगोली बनाता हूँ। ठीक है, तुम ही रंगोली बनाओ। वाह 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 वाह, मैंने भी बहुत अच्छी रंगोली बनाई है। इस गांव में मेरी तरह कोई रंगोली बना ही नहीं सकता है।
खामखा औरत लोग ये बोलती हैं कि मर्दों से अच्छी रंगोली बनाती हूँ। ए रेवती, तुमने कभी ऐसी रंगोली बनाई है? यहाँ पर आकर देखो। ये तो मुझे ऐसी देख रही, लगता मुझे जला देगी। ए बहन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? खाने के लिए क्या करें? क्या कलेक्टर के ऑफिस से खाना आएगा? तुम्हें खाना चाहिए, कलेक्टर बनने के लिए खाना जरूरी है। इसके लिए मैं बंदोबस्त करता हूँ। वीना मौसी, मेरी बहन स्कूल जा रही है, उसके लिए इडली दे दो। वीना मौसी कहता है, बता तेरी माँ ने मेरा नाम रखा था क्या? या पैदा होते समय तू बगल में खड़ा होकर मेरे में मेरा नाम रखा था क्या? जब उधार चाहिए तो वीना मौसी बुलाएगा। आप इडली दे रही हो या नहीं? अभी नहीं दे सकती, पहले धंधा होने दे, फिर उधार दूंगी। अरे क्या धंधा होने के बाद दोगी? यहाँ तो धंधा चल रहा है। बिना मौसी, आप मुझे बड़ा देने के लिए मना कर रही थी, लेकिन आपका सब बड़ा चोरी हो गया। अरे बाप रे, हो ए रुक। क्या बात है, पेट बड़ा हो रहा है? मेरे पेट में जोरदार चोट लग गई है। हाँ, चोट आते वक्त तो नहीं थी, अभी अभी चोट लगी है। हो सकता है औरत होती तो बच्चा ही कह सकते थे, लेकिन ये गोल गोल है, ये कैसे लग रहा है? मौसी, ये तो गरम गरम लग रहा है। और ये क्या है? अरे मौसी, क्या हुआ उससे? क्या हुआ दिखा, मैं देखू। मेरे बड़े चोरी कहीं ले जा रहा है? मैं दुनिया को बेवकूफ बनाती हूँ और तू मुझे बेवकूफ बना रहे दो। खा बेटी, खा, तू खा, खा। मौसी, क्या बात है, इज्जत देकर मेरे साथ बहुत प्यार 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 से बात करता है। ऐसा नहीं है? सब इज्जत करते हैं। आप मुझे छोड़ो, जरा मेरी बहन को देखो। क्यों रो रहे हो? छोटी बच्ची है, प्यारी बच्ची है, है? कलेक्टर की पढ़ाई पढ़ने जा रही है, स्कूल में भूखा पेट तो नहीं रह सकती है ना? नहीं रह सकती। वो कैसे पढ़ेगी? बिल्कुल। सिर्फ दो इडली दे दो उसके लिए। मैं तेरे बहन के लिए दे रही हूँ, तेरे लिए नहीं दूंगी। हाँ ये ले, ये बड़े पकड़, अभी तक तेरे 150 रुपए हुए, कल ला के दे देना। पैसा चाहिए ना, कलेक्टर बनने के बाद ले लेना। देखा, सुनो वीना। कौन है वे? मैं हूँ तुम्हारा पतिदेव। बोल बोल, क्या बात है? वो उधार लेता ही जा रहा है और तुम तो उसे उधार देती ही चली जा रही हो। इस जन्म में पैसा वापस मिलेगा क्या? वो नहीं देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? तुम मुझे पागल समझ रहे हो क्या? मैं अपनी लड़की को कितने प्यार से पालती हूँ, उसे खिला खिला कर इतनी मोटी हो गई है। आसपास के गाँव में से इसके साथ शादी करने कोई आएगा क्या? फिर तू इसकी शादी कैसे करेगी? सही सवाल पूछा। 150 रुपए का उधार देकर डोगरा से इसकी शादी करवाऊंगी। फिर तो तुमने उसे दामाद बना ही दिया। माँ, बोलो ना। बोल बेटा, शादी कब है माँ? बस एक दो महीने में ही शादी करा देंगे तुम्हारी। क्या डोगरा पांडे, लकड़ी लाए हो? हाँ लकड़ी लाया हूँ। ये लो, गिन लो। 25 रुपए ही दे रहे हो? अरे भाई, कल लकड़ी थोड़ी कम लाया था तो भी 25 रुपए दिए थे, आज कुछ ज्यादा लकड़ी लेकर आया हूँ फिर भी आप 25 रुपए ही दे रहे हो। कल लकड़ी कम लाया था ना, हाँ? इसलिए मैंने 5 रुपए कम कर दिया। बाप रे, तुम तो लूट रहे हो। फिर मैं कैसे दो औरतों को संभालूंगा? वड़ा मास्टर, क्या बात है? एक वड़ा कितने का दिया? 1 रुपया। 1 रुपए का? मुझे नहीं चाहिए। अरे गधे की तरह काम करते हो, एक वड़ा खाने के लिए इतना क्यों सोच रहे हो? 1 वड़ा कितने का? 1 रुपया। 10 वड़ा कितने के? 10 रुपया। ओह, 10 वड़ों से भी मेरी भूख नहीं मिट सकती है। फिर मैं अपनी बहन को कलेक्टर की पढ़ाई नहीं करा सकता हूँ? मेरे लिए तो सादा पानी ही ठीक है। बहन, मीना बहन, कहाँ चली गई? मीना बहन, मीना, मेरी बहन किधर है? बहन का स्कूल जाने का वक्त हो गया था इसलिए चली गई।
और एक बात, एमएलए सुंदर पांडे ने तुझे बुलाया है, जाओ जल्दी जाओ जाओ। ए, मैं जंगल में था, तुझे तो बताना चाहिए था। कैसे आदमी हो तुम? बोलू तो भी मारता है, नहीं बोलू तो भी मारता है। ए डोगरा पांडे। हाँ साहब जी। खाना तैयार है ना? हाँ तैयार है। आप सुबह आ गए अरविंद ने बताया था, इसलिए मैं खाना अपने साथ लेकर आया हूँ, बस 10 मिनट में लगाता हूँ। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से इस तरह पश्चिम से ऊपर चढ़ेंगे तो वही विल्ला पराई से नीचे 18 किलोमीटर उतरेंगे तो वहाँ है श्रवण कुंड। ए, हंसता क्यों है? फिर क्या, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर श्रवण कुंड है, उसके लिए 18 किलोमीटर घूम कर जाएंगे। भाई यहीं से सुरुली नदी की शुरुआत होती है, इसको पार करके यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे ना भाई, तो वहीं नागमलाई मिलेगा। फिर आप लोग मनमानी बातें कर रहे हो। विला पहाड़ी की उत्तर दिशा में जब जाएंगे वहीं 2 किलोमीटर की दूरी पर श्रवण कुंड है। डोगरा पांडे यहाँ आओ। आओ। आप बड़े आदमी हो लेकिन आप मुझे अपना समझ रहे हो। तुम क्यों शर्माते हो? क्या तुम इस एरिया को जानते हो? फिर क्या, नीली घाटी, गंगा घाटी, खंडाला घाटी, पच्चा पहाड़ी, वेल्ला पहाड़ी, वाल पहाड़ी, आप जो बोल रहे हो मैं सब जगह जा चुका हूँ। वहाँ पर जितने भी पेड़ स्थित हैं उन सारे पेड़ों को मैंने छुआ है। मुझे सब जगह दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे पेड़ देखने हैं। अच्छा एक काम करो, तुम साथ में चल करके सारे पेड़ दिखा दो। जल्दी आइए, यहीं पास में ही नीली घाटी। आइए साहब जी आइए, जल्दी आइए, आइए साहब। अरे संभल कर चलना पड़ता है। साहब जी ये है नीली घाटी। क्या नीली घाटी, पीली घाटी, मुझे सब एक ही तरह दिख रहा है। साहब जी जो आप कह रहे थे वो चंदन के पेड़ यहीं हैं। चंदन का पेड़ कहाँ है? खुशबू तो नहीं आ रही? तो ठीक है एक पेड़ काटो। अरे साहब जी चंदन के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। अरे कैसे आदमी हो, वोट डालने वाले नहीं काट सकते। तुमने वोट दे के हमें MLA बनाया, हम काट सकते हैं। मैंने और 3 मंत्रियों ने पेड़ काटने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ओहो, ऐसी बात है तो फिर काटो। ये बताओ पेड़ काटने के लिए कितने पैसे मिलते हैं? अब ये मत पूछिए साहब जी, सुबह से शाम तक काम करते हैं, 25 रुपए मिलता है। ओ हाँ हाँ, 100 रुपया दे तो, ये लो रख लो। ये क्या है साहब जी? अरे रख लो, एक दिन का है। बाप रे 100 रुपया, एक दिन में 100 रुपया, तो 7 दिन का 700 रुपया। मेरी बहन पायल मांग रही थी, दुकान वाला 500 रुपए से कम नहीं दूंगा ऐसा बोल रहा था। स्कूल जाने वाली मैं अपनी प्यारी बहन को अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगा, उसके लिए 250 खर्च होंगे। इतना सब खर्च करने के बाद भी पैसे कम पड़ रहे हैं, कैसे भी हिसाब करो फिर भी पैसे कम पड़ रहे हैं। इसको देखो, क्या बोल रहा है? और पैसे कहाँ से लाऊं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ए भाई सपने मत देखो, सिर्फ पेड़ काटो तब समझ में आएगा, समझ गए? हाँ। जाओ। ऐसे लोगों को सोचने का मौका नहीं देना चाहिए वरना हमें तकलीफ होगी। ये देखो आ लिखा है, ऐसे ही लिखो। ए, तो लिख के दिखा। ले। लिख लिया? हाँ लिख लिया। चुप चुप। ये क्या है? ओ है। ये तो ई है। अरे यही आ है। नहीं ये ई है भाई। ए, आ बोला था तो ई क्यों लिखा? हमारे गांव वाला टीचर इसको आ कहता है। अरे समझ में नहीं आ रहा तुझे क्या करूं? ये लो अभी मेरे सामने ही लिखो। सुनो बहन, तुम सुंदर अक्षर से बहन लिख कर दो, फिर देखना मैं कितनी आसानी से लिखता हूँ। तुम कभी नहीं सुधरने वाले। फिर मैं अभी नहीं बताऊंगा। हाँ अब यही बचा है ना, तू मुझे सिखाएगा और मैं तुझसे सीखूंगा। यही है बहन, इसको देखकर मेरे दिल में बहुत खुशी हो रही है, अभी देखना मैं कितनी जल्दी सीखूंगा। ए चल हट हट। हाँ
डोगरा पांडे इधर आओ। नमस्ते साहब। सारा काम ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ काम बराबर चल रहा है। मेरे साथ काम करने वालों पे मैं किसी भरोसा नहीं करता, सिर्फ तुझ पर कर रहा हूँ। मैं सब संभाल लूंगा साहब जी। ए, पैसे दे। ये ले। अरे अरे साहब जी इतने पैसे क्यों? अरे तुम मेरी आंखों के तारे हो, रख लो इसे। साहब जी मैं सारे पैसे अपनी बहन को देकर आता हूँ। क्यों भाई आपने उसके सामने हम दोनों को चोर कहा? तू नहीं समझेगा, मैं उससे प्यार से काम लेता हूँ। जो लॉरी में लोड कर रहे हैं उसमें सिर्फ चंदन के पेड़ नहीं, टीक वुड के साथ साथ हाथी के दांत भी हैं। जितनी गैर कानूनी चीजें हैं सब जाती हैं। कायदे से देखो तो वो मालिक है, लोड परमिट में उसी का नाम होना चाहिए। ठीक है भाई। चेक पोस्ट के रजिस्टर में उसका नाम होना चाहिए। ठीक है भाई। कल को अगर कुछ हुआ तो वो फंसेगा, हम नहीं, इसलिए उससे प्यार से काम ले रहा हूँ। भाई डोगरा पांडे, भाई डोगरा पांडे, क्या बात है डोगरा पांडे, इतने लोगों को साथ ही करा रहा है। लगता है पैसे वाला बन गया है। क्या पैसे वाला? ए मौसी, देखो मौसी ये क्या है? 100 रुपया। ये क्या है? दूसरा 100 रुपया, यानी 200 रुपए, यानी 200 रुपया। मौसी 200 रुपए में 150 रुपए उधारी वाले काट लो और जो बचते हैं बाकी सब रख लो। मैं दिल से बोल रहा हूँ ये नहीं होगा। वाह रे वाह, 150 रुपए के लिए ये मुझे फंसाने वाले थे। अभी वो प्लान कामयाब होगा क्या? ये चलो चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। रामा जी, मैं हूँ आपका ससुर। कौन है ये? कहीं देखा हुआ लग रहा है। ओ, इस लड़की का बाप लग रहा है। ओहो, अरे मैं हूँ तेरा ससुर जी, तुम्हें चुपके से मैं वड़ा देता था ना। ओहो, मैं आपको लंगोट देता हूँ भाई, धोती देता हूँ। आवाज शुरू करो। भाई डोगरा पांडे जिंदाबाद, भाई डोगरा पांडे जिंदाबाद, भाई डोगरा पांडे जिंदाबाद। सुनो कामाक्षी मीनाक्षी रुक्मणी राधे, सब दौड़ कर आओ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ऊपर वाला भगवान राम अल्लाह जीसस आप सब मेरा न्याय करो। मेदू वड़ा के पैसे उधार चुका दिया तो सब खत्म हो गया क्या? मेरे दिल में कितने अरमान थे, इस धोखे देने वाले को मर्द कहोगे क्या? कौन दूसरा मुझसे शादी करेगा? ये शादी करवा देगा। मैं कैसे शादी कराऊंगा? ए तो चुप कर। मैं इसे दिल से इतना प्यार करती हूँ लेकिन ये मुझसे दूर जा रहा है। ए सुनो, इसको खाना खिला दो, इसका रोना बंद हो जाएगा। मैं इतना भरोसा करती थी लेकिन ये मुझे धोखा देता है। ए, ए मेरा कपड़ा गंदा मत कर। मैंने इसे प्यार। बस करो, अब तमाशा बहुत हो गया। बहन कह दो तुम इससे शादी के लिए तैयार हो। अरे बहन ध्यान से सुनो, मुझे बहुत सारे काम बाकी है। अभी तुझे कलेक्टर की पढ़ाई करवानी है, उसके बाद शादी करवानी है। जब तुझे एक बच्चा हो जाएगा उसको पालना पोषना है और उसकी भी शादी करवानी है। जब उसके बच्चे हो जाएंगे उनकी भी पढ़ाई करवानी है और उनकी शादी करवानी है। फिर जब उनके तब तक तुझे 99 साल हो जाएगा, बाकी 1 साल बाकी है। एक बुढ़ी शादी करे सीधा ऊपर जाओ। ए, चल हट रे। भाई तुम बोलोगे या मैं बोलूं? बोलो। सोनी बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम इससे शादी कर लो, नहीं तो मैं कलेक्टर की पढ़ाई नहीं करूंगी। तू पहले बोल देती तो मैं पहले ही हाँ कर दिया होता। ए, शादी के वक्त बाप याद आ गया क्या? माँ की याद आ गई? नहीं। तो फिर रो क्यों रहा है? नहीं। क्यों पूजा? यहाँ देख। अरे बाप रे, ये हाथी की तरह खाती रहती है। मैं इससे शादी कर जिंदगी में कभी हंस सकता हूँ क्या? तू क्यों रो रहा है? इस गांव में बहुत सी लड़कियां हैं, तेरी किस्मत ने इसके साथ ही फंसा दिया। दामाद जी आप जरा जल्दी से शादी कर लीजिए वरना ये यहाँ पे सबको काट देगी। मेरे साहब को आने दो फिर मैं शादी कर लूंगा। ए, हटो हटो हटो, मेरे साथ भी आ गए। अरे भाई सब ठीक ठाक है ना? शादी धूमधाम से हो गई, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? आपके बिना मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? कैसे आदमी हो, चलो चलो शादी करो। राम भक्त हनुमान की तरह मुझ पर भरोसा करता है। चलो हटो बाजू में, चलो। हाँ क्या बात है साहब जी? वो कुछ नहीं, यहाँ चंदन के पेड़ों की स्मगलिंग हो रही है इसीलिए तुमसे पूछताछ करने आए। अरे रे रे रे, मेरा और उसका कोई संबंध नहीं है साहब जी, मैंने कोई गलती नहीं की है, आप समझाइए ना साहब जी। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, पूछताछ करेंगे, छोड़ देंगे। हाँ चलो उठ। अरे अरे मुझे छोड़ दीजिए,
मुझे छोड़ दीजिए, मेरा उसका कोई संबंध नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए साहब जी, बचाइए, चल जल्दी बचाइए साहब जी, साहब जी मुझे बचा लीजिए, मेरा उसका कोई संबंध नहीं है, चल, अरे साहब जी मुझे बचा लीजिए, चल साहब जी। हेलो, हाँ मैं अमेले बोल रहा हूँ। बोलिए। चंदन के पेड़ की स्मगलिंग और हाथी के दांत की स्मगलिंग, ये सब डोगरा पांडे ने किया है, इस तरह की चार्जशीट बनाना उसके नाम से। ठीक है, आप चिंता मत करो, वैसा ही होगा। डोगरा पांडे, डोगरा पांडे तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। सुनो, नीली घाटी तालुका के पटवारा पेट इसी गांव का रहने वाला बाला पांडे का बेटा डोगरा पांडे, वो तो तू ही है ना, अपनी प्यारी बहन को कलेक्टर बनाने के लिए चंदन के पेड़ को काट कर स्मगलिंग किया था, हाथी के दांत का भी स्मगलिंग किया था। अगर इसमें मैं हस्ताक्षर कर दूं तो क्या मैं अपनी बहन को देख सकता हूं? ये तेरा ही स्टेटमेंट है, चलो साइन करो। बताइए कहां पर करना है? यहां। ये जो लिखा है वो सच नहीं है क्या रे? साहब जी, बहन ने सिर्फ इतना ही लिखना सिखाया था, खाली मैं बहन ही लिख सकता हूँ। मैंने रात भर जाकर ये चार्जशीट बनाया, लेकिन तू मुझे झूठा साबित कर रहा है। ए, तू अभी पुलिस के बारे में कुछ जानता नहीं, नहीं है, नहीं। बताता हूँ। नहीं साहब, आपने मुझे बुलाया सर? अभी तक उसको क्यों रखे हो? कल सुबह उसको कोर्ट में ले जाएंगे सर। एक पॉलिटिशियन के बोलने का क्या मतलब होता है? अभी तक वो जिंदा क्यों है? वो शरीफ है, कोर्ट में सिर्फ सच बोलेगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। सच बोल दिया तो तेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा ही सुनो, दोपहर के खाने में जहर मिला दो, काम हो जाएगा। डोगरा पांडे, डोगरा पांडे, अरविंद, 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 चुप चुप। ओए मेले, तेरे खाने में जहर मिलाकर तुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तू कैसे भी भाग जा, पुलिस स्टेशन में एक ही पुलिस है, कैसे भी भाग जा जल्दी। डोगरा पांडे, ये लो, तुम्हारे लिए खाना लाया हूं, जल्दी से खा लो। सोच क्या रहे हो, खा लो। रुक रुक, थूक मत, मैं पानी लेके आता हूँ।
चारों तरफ पुलिस वालों ने घेर लिया है, ऐसे में मैं अपनी बहन से कैसे मिल सकता हूँ? बहन, मेरी बहन को क्या हुआ था? मेरी बहन को क्या हुआ था? तुझे बहुत प्यार करता है तेरा भाई, अगर उसको मारेंगे तो तुझे दर्द होगा ना? Thank you.
मेरी प्यारी बहन, कलंक के कारण मर गई ऐसा किसी को नहीं कहना चाहिए। जो शादी करता है वही लड़की को छूता है। ये पकड़, पहनाओ जल्दी पहना उसको। अभी तो मेरी बहन का पति है, उसका आखिरी क्रियाक्रम अब तो यही करना होगा। नहीं देते तो हमें गाली देता है और इन छोटी लड़कियों को छेड़ता है। उस इंस्पेक्टर को मारने के बाद अगल बगल गांव वाले तुझे मानते हैं तो सामने खड़े हो जाए तो पुलिस वाले भाग जाएंगे। जैसे तुम्हारी बहन के साथ हुआ वैसे इनके साथ भी होगा। इतने बड़े जंगल में डोगरा पांडे को कहां से पकड़ेंगे? हैं? अधिकारी पकड़ो पकड़ो बोल रहे हैं, मंत्री मत पकड़ो कहते हैं, हर एक पत्रिका वाले डोगरा पांडे की कहानियां लिखते हैं, ये सब ठीक है। मुझे पकड़े तो मैं जान से मार दूंगा, डोगरा पांडे ये कहता है, ये तो बहुत रिस्क का काम है। सुनो, इधर आओ।
आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। इतनी जल्दी मरने के लिए बुलाने वाले आप ही हो सकते हो। आ रहा हूँ। ये अधिकारी मुझे बहुत घुमाता है। क्या सर, अंदर जाकर देखा, वो नहीं मिला होगा। हमारे आदमी इतने जल्दी उसे नहीं पकड़ सकते। चलिए घर चलते। चलो आओ मेरे साथ। आप नाराज मत होइए सर, कहीं भी देखो जंगल ही जंगल है। इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं, नहीं तो वापस घर चलें क्या? सुनो, तुम लोग उधर ढूंढो, आओ मेरे साथ। जाओ जाओ, सब लोग पीछे जाओ। मर गए तो साले पेपर में न्यूज भी नहीं छपेगी। चलो चलो पीछे चलो। डोगरा पांडे को भगा कर तुम यहाँ छुपे हो, अगर पुलिस में फंस गया तो हम सब लोगों को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि नहीं? वैसा नहीं होगा। डोगरा पांडे को जिंदा पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने इजाजत दी है। उसको पकड़ने के लिए आए पुलिस ऑफिसर को मैंने पटा लिया और उसको पैसे दे दिए हैं, और डोगरा पांडे को मारने के लिए कह दिया है। आप लोग चिंता ना करें, वो डोगरा पांडे की कहानी खत्म कर देगा। एक इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल, एक रेंजर, एक पंचायत यूनियन प्रेसिडेंट, इतने लोगों को मारा है उसने। वो कभी भी फंसेगा उसको फांसी पक्की है, ये अच्छी तरह जानती है। फिर भी तू हमारी आंखों में धूल झोंक कर उसके लिए खाना लेकर आती है। ये बताओ वो कहाँ है? चुपचाप खड़ी रहकर मुझे बेवकूफ बनाती है क्या? पुलिस में हाथ उठाती है। Oh!
की तू बोतल। अपनी इन उलझी बातों का मतलब तू तो समझा। पूछती है क्या आंखों से पढ़ ले। कितनी प्यास लग रही है। ए माजी 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 हा? पानी पिला दो थोड़ा सा। डोगरा पांडे को पकड़ने आया ना, मैं तुझे पानी नहीं दूंगी। अरे बाप रे, अरे बहन जी थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? डोगरा पांडे को पकड़ने आया है ना, पानी नहीं दूंगी मैं। अरे बाप रे, ये कौन है? अरे सर रुकिए सर, सर सर। अरे मुझे देख के जो डरे वो तो बेवकूफी होगा। सर सर रुकिए सर। सर क्या सर, भगवान की तरह रूप दिखाकर गायब हो जाते हो, आपका नाम क्या है सर? नाम क्यों पूछता है, मैं कौन हूँ उसको पता है क्या? क्यों, नाम पूछने से नाम बताने की वजह ढूंढ रहे हो क्या? मनीष हाँ। मैं सोचा गणेश। वो मेरे बाप का नाम है। इनिशियल से बोला हाँ, क्या? सर। अच्छा नाम है सर। आपका नाम? मेरा नाम मनोज है हाँ। अभी तुम प्यासा बुला सकते हो। क्यों, बहुत देर से गला सूख रहा है, मैं मरने वाला हूँ, तुम पानी पिला के बचा सकते हो। डोगरा पांडे को पकड़ने आया और अभी है नालायक, पानी भी हमसे मांग रहा है। ये लकड़ी पकड़ो हाँ? चलो मेरे साथ हाँ? हाँ? आ जा। सर पानी देने के लिए तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आइए सर, बाप रे। आइए सर हाँ? सर यहाँ बैठ जाइए हाँ? आपके लिए मैं पानी लेकर आता हूँ हाँ? ओके जल्दी आना। ए ए इधर आओ। क्या है भाई? ये कौन है पता है? डोगरा पांडे को पकड़ने के लिए आया है, पानी मांग रहा है, पानी के बदले शराब पिलाएंगे। ऐसा होगा मालूम होता तो मैं यहाँ आता। पानी ले आया सर हाँ? ये पी लीजिए हाँ, सर हाँ। आपके पीठ का दर्द और घुटने का दर्द और सबके सब दर्द गायब हो जाएगा। ये मुझे क्या हो रहा है, विस्की की तरह सनसनाहट हो रही है। पानी देने वाले धर्मात्मा तुम कौन हो, खड़े क्यों, बैठ जाओ ना हाँ। अरे नीचे मत बैठो, पानी ऐसा ही है। यहाँ आने वाले सब अधिकारी डोगरा पांडे को पकड़ने ही आते हैं हाँ। लेकिन मैं नहीं, उसके लिए नहीं आऊ, मैं दूसरा आदमी अपने साथ लाया हूँ। उसके राइट हैंड की तरह एक आदमी है, नाम है उसका अरविंद। बात यह है ना, अरविंद को पकड़ लिया तो सरकार से 50,000 रुपए और मुझे प्रमोशन मिलेगा। मैं उसे कैसे पकड़ सकता हूँ? मैं उससे मिलकर उसके सामने हाथ जोड़कर बताऊंगा, आप पकड़े जाने का नाटक करो, मैं 50,000 रुपए लेके आपको दे दूंगा और मैं जेल से आपको भगा दूंगा और आपके नाम से प्रमोशन लेकर इस गाँव से खुद ही भाग जाऊंगा। इसके लिए एग्रीमेंट बनाने आया हूँ, लेकिन सब लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं यार। अरे जिंदगी भर लकड़ी काटूं तो भी 50 रुपया जमा नहीं कर पाता हूँ और कोई बेवकूफ मुझे 50,000 रुपया देने के लिए तैयार है। सर आप समझिए, अरविंद को पकड़ लिए।
मैं इस लोटे को तो अभी पकड़ाऊं। सर मैं हूँ अरविंद। क्या मैं नहीं जानता, आपका नाम तो मनीष है। सुनिए मैं हूँ अरविंद। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप अरविंद नहीं हो। ए, सच कहता हूँ मैं। छह मजाक मत करो यार, आप कितने बड़े धर्मात्मा हो, आप क्यों उस कमीने के नाम से अपना नाम जोड़ रहे हो। नहीं मैं हूँ अरविंद। छह मजाक मत करो यार, आप अरविंद नहीं हो। सर मैं अपनी माँ की कसम खाकर कह रहा हूँ मैं हूँ अरविंद। क्यों क्यों तुम 50,000 रुपए के लिए अपनी माँ की झूठी कसम खा रहे हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम मनीष हो। सर मैं हूँ अरविंद। नो, तुम मनीष हो। सर अब मुझे पकड़िए। सर मैं हूँ अरविंद, सच कह रहा हूँ मैं हूँ अरविंद। सर 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 तुम मजाक मत करो। इधर आ ममूटी, मेरा नाम क्या है। अरविंद। सुन लिया आपने। इधर आओ। हाँ बोलिए। इसका नाम मनीष। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, इसका नाम मनीष। सर मैं कितने साल से इसके साथ रह रहा हूँ, मैं इसको नहीं पहचानूंगा क्या, ये अरविंद है सर। मैं मनीष बोल रहा हूँ, तुम बार बार अरविंद बोल रहे हो, बोलो इसका नाम क्या है। ठीक है यही मनीष है साहब। पहली निशिल क्यों नहीं बोला। चलो कैसे सच बुलवा दिया, इसे कहते हैं पुलिस। वाह जी वाह भाई, हम दोनों मिलकर उसको पकड़ेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। शादा भाई, शादा भाई। कौन सोनी जी, आप यहाँ पर कैसे। वो मुझे मिट्टी का तेल चाहिए, जंगल में रात के वक्त तकलीफ हो रहा है। सुनो इन्हें मिट्टी का तेल दे दो। लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। आपसे कौन पैसा मांग रहा है, आपके पति तो इस गांव की रक्षा करते हैं, उनसे हम कैसे पैसा ले सकते हैं। आपको जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आइए और ले जाइए। पैसे मैं जल्दी चुका दूंगी। अरे क्या हुआ, माँ बनने वाली हो। क्यों सोनी भागती हुई क्यों आ रही है। बाप रे क्या हुआ। क्या देख रहे हो। वो देखो काले घने बादल आ रहे हैं। वो क्यों। साथ में नहाएंगे। अरे तुम ही ना। अच्छा वो तुम बात बताने वाली थी। शर्म आती है। तो फिर धीरे से कान में बता दो ना। मैं माँ बनने वाली हूँ। सोनी मुझे बच्चा नहीं चाहिए। हा? मिटा दो से। ऐसा क्यों कह रहे हो। हर बच्चे को अपने बाप के नाम से उसको गांव में इज्जत मिलनी चाहिए, पिताजी के नाम से लड़के को सारे गांव में प्यार और दुलार मिलना चाहिए, लेकिन अभी मेरे हालात ऐसे नहीं हैं। उसको मर्डरर का लड़का, डकैत का लड़का, स्मगलर का लड़का ऐसा बोल के उसकी बेइज्जती करेंगे, ऐसे हालात मेरे बच्चे के नहीं होने चाहिए। मुझे भी एक लड़के की चाहत थी और मैं भी उसे अच्छी तरह से पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी दिलाकर समाज में उच्च स्थान दिलाऊं, ये हर पिता का अपने बच्चे के प्रति कर्तव्य होता है सोनी। लेकिन मेरी चाहत सब ख्वाब बनकर रह गई है सोनी। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बच्चे के साथ समाज में न्याय कर पाऊंगा, इसलिए हमें बच्चे को पैदा ही नहीं करना चाहिए। रो मत सोनी, एक औरत जब शादी के बाद माँ बनती है उसका जन्म सार्थक होता है जी। मैं भी एक औरत हूँ, मुझसे माँ बनने का अधिकार मत छीनो जी। मुझे बच्चा चाहिए, मेरी बात मान लो जी। बेटा
तुम दोनों पति पत्नी के बीच में, मैं बोल रही हूँ इसका बुरा मत मानना, रास्ते पर भीख मांग के पेट भरने वालों को भी अपने बच्चों की चाहत होती है। सोनी एक बच्चे की माँ बनेगी तो तेरा भी वंश बढ़ेगा और मेरा भी वंश बढ़ेगा। इसे मिटा कर हमारे वंश को खत्म मत कर बेटा। आपके जानकारी के बिना खाना नहीं जाएगा, आपके जानकारी के बिना कपड़ा भी नहीं जाएगा, और आपके बिना एक हथियार भी नहीं जाएगा। आप लोग सब जानते हैं। चलो अब शराफत से मुझे बताओ, डोगरा पांडे कहाँ पे है? सर क्या बात है? नहीं नहीं, डोगरा पांडे गलत आदमी है ये सब बोलकर हाँ। गांव-गांव में पोस्टर लगाते हैं, पत्रिका में भी वो कातिल है, डकैत है ये सब लिखते हाँ। हैं, टीवी में हम दिखाते हैं वो चंदन के पेड़ को काट के चुराता है, हाथी के दांत चुराता है। अगर सचमुच में वो गलत आदमी है, लोगों को तकलीफ देने वाला आदमी है, तो इतने सारे लोगों में से कोई एक तो उसका नाम बता सकता है ना। कुल मिलाकर सोचे तो वो आपसे और मुझसे बहुत अच्छा आदमी लगता है सर। चल हाथ हटा, ये कहने के लिए वहाँ से यहाँ आया था? नहीं सर, मैं वहाँ बताना चाहता था लेकिन आप खुद यहाँ। चलो जाओ, जाकर पूछताछ करो। ओके सर। बगैर छुए पूछो। अरे नाराज क्यों होते हो, डोगरा पांडे कहाँ है? अरे बाप रे, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, कोयता क्यों दिखा रहे हो? दूसरे को पूछो। हाँ हाँ बोलो, तुम जानते हो डोगरा पांडे कहाँ है? अरे बाप रे, देखो इसमें धार है, मैं दिखाता हूँ। कोई बताने को तैयार ही नहीं है। भाई डोगरा पांडे कहाँ है कम से कम आप तो बता दो यार। कोई बात नहीं, अंदर रख लो। डोगरा पांडे को ढूंढ रहे हो? हाँ बताओ बताओ कहाँ है। अरे यार मुझे क्यों ये दिखाकर डराते हो? सर मुझे मेडिकल लीव दे दीजिए सर। क्या नहीं बता रहे हैं? मैं गांव-गांव जाता हूँ सर, कोई मुंह नहीं खोलता है सर, सबको। अरे सर सर इसे मत निकालिए, इसमें 6 गोलियां हैं और वहाँ 100 लोग हैं, हम लोग मारे जाएंगे सर। क्या कर रहे हैं सर आप? सर मेरी बात सुनिए सर। सर इतनी उम्र हो गई, मैं अभी तक बाप नहीं बना, 40 की उम्र में बाप बनूंगा ऐसा ज्योतिष ने कहा। ज्योतिष की बात गलत मत होने दीजिए सर, हम लोग यहाँ से चलते हैं और ट्रैफिक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। ध्यान से सुनो, बिना डोगरा पांडे को पकड़े हम इस जगह से नहीं निकलेंगे। तो फिर हम यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे, ये समझ लीजिए। ये पकड़िए, एक मिनट रुकिए। डोगरा पांडे, आता है क्या? डोगरा पांडे आंखों के सामने भागा, हिम्मत है तो पकड़ो उसे। औरत के साथ ऐसा व्यवहार करो ऐसा किस कानून में लिखा है? एक गर्भवती महिला के साथ ऐसा करने में शर्म नहीं आई आपको? जाओ जाके पकड़ो उसे। चलो यहाँ से जाओ। बहन बहन
बहन उठो उठो बहन उठो उठो घबराओ मत उठो चलो चलो मेरे साथ। ए पता ए कहां डोगरा पांडे किधर है बताओ सर मैंने उसको बहुत मारा वो मुंह भी नहीं खोलता और कुछ बताता भी नहीं सर। ए, कैसे पुलिस वाले एक बुड्ढे को नहीं संभाल पा रहे हो? पुलिस ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया था? सुनो डोगरा पांडे को पकड़ कर लॉकअप में जान से मार दो वरना इसमें जो जो शामिल सब अंदर हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए सर उसके एक एक नाखून को निकाल कर उसके मुंह से डोगरा पांडे कहाँ छुपा है ये बुलवा लेता हूँ। मेरे डोगरा पांडे के पास गलत हवा को भी भटकने नहीं दूंगा। मैं जिंदा रहूंगा तभी तो ना तुम लोगों को मैं डोगरा पांडे का पता बता पाऊंगा। मुझे सब पता है मुझे बेवकूफ समझा क्या तेरा काम हो गया है ना मैं सब संभाल लूंगा तू जा चल जा। अरे रे मेरा शेर है तू किसकी तरह है डोगरा पांडे की तरह है तू। अगर तू मेरा बेटा होता ना तो तेरा पालन पोषण राजकुमारों जैसा करता। तू अगर मेरा बेटा बन के मुझे पिताजी बुलाए तो मैं तुझे एक डॉक्टर इंजीनियर एक आईएएस आईपीएस छिछे ये सब पुराना फैशन है मैं तुझे कंप्यूटर इंजीनियर बना के अमेरिका भेज देता। मैं अपने लड़के को अच्छी तरह पढ़ाई करा के बड़ा आदमी बनाने का ख्वाब देख रहा था। ए, जब तू पढ़ाई लिखाई करके इस गाँव में आएगा तो सब लोग किसका लड़का है करके बातें करेंगे। अपने पिता के नाम से इज्जत उसको गांव में मिलनी चाहिए। सुन बेटे मैंने आज तक बहुत चोरों को पकड़ा है लेकिन आज मैं खुद एक चोर बनने वाला हूँ। ए जानता हूँ चोरी करना गलत बात है पर खूनी क्या बिल्कुल नहीं। आज से तू मेरा बेटा है मेरा बेटा प्यारा बेटा। चंदा है तू मेरा सूरज है तू मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है ओ मेरी आँखों का तारा है। चंदा है तू मेरा सूरज है तू। मेरे बेटे या सासू माँ वो सोनी मेरी बेटी सोनी कैसी हो बेटी ये तुझे क्या हो गया बेटी बच्चा कहाँ है बेटी। पति अगर चाहे तो दोबारा बच्चा हो सकता है लेकिन एक बच्चा दूसरा पति नहीं दे सकता है। पति के गोद में मरने की मन्नत मांगी थी मैंने मेरे लिए यही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ। बम के धमाके से बहुत लोगों की जाने चली गई। विश्वास सूत्रों से पता चला है कि इसका कारण सिर्फ एंथनी है। एंथनी चेन्नई शहर के किसी कोने में छुपकर बैठा हुआ ऐसी सूचना पुलिस को मिल चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर विजय उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
हाँ, मैं मिनिस्टर सुंदर पांडे बोल रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर से बात करना चाहता हूँ, फोन दो। तू मिनिस्टर पद पर बैठकर क्या कर रहा है? एसी विजय ने एंथोनी को पकड़ लिया है, पता है? हाँ हाँ, मैंने भी सुना था। लगता है बहुत दिमाग वाला है। डोगरा पांडे को पकड़ने के लिए तुरंत उसको भेज दो। मैंने सोचा कि आपको बोल दूं तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर हैं और मैं सिर्फ मंत्री हूँ। बातें करना बंद करो, जल्दी भेजो। ठीक है, अभी भेजता हूँ। नमस्ते सर। डोगरा पांडे, डोगरा पांडे, डोगरा पांडे, तुझे पकड़ने के लिए पुलिस आई है। जो ऑफिसर आया है वो दूसरों की तरह नहीं है, वो कैसे भी तुझे पकड़ेगा, ऐसा गांव वाले बातें कर रहे हैं। क्यों इस उम्र में चला चला के मेरी जान ले रहा है? इसके आगे मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। अरे बाप रे। पापा, आप गेस्ट हाउस में आराम करो, मैं शाम को वापस जाने के लिए टिकट लेकर आता हूँ। ठीक है, तू मेरे लिए टिकट ला दे, मैं तेरे लिए टिकट ला देता हूँ, फिर दोनों घर चलते हैं। सर उठिए सर। क्या कर रहा है? बात सुन, मैं रिटायर्ड जरूर हो गया हूँ, लेकिन हूँ तेरा सीनियर ऑफिसर, पहले हाथ हटा, चल जा। बाप रे, क्या करूँ, कांस्टेबल को भी भगा दिया, अभी उठ ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। अपने पुराने दोस्त को बुलाता हूँ। डोगरा पांडे! छी 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 छी। छे, उसको क्यों बुलाऊं? ये उसको पकड़ लेगा, नहीं तो वो उसको पकड़ लेगा। दोनों बाप बेटे अगर मिल गए तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगा, मेरी चिता को कौन आग देगा? ए, रुको रुको, अरे आ रहा हूँ।
में मुझे भी कुछ तो हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, गाने को करे दिल मेरा, पता नहीं क्या हुआ है, मेरे दिल के पिंजरे में हले हले से बोले कुकु कुकु कुकु, कोयल बोले रे संगीत सा देखो डोले रे, कभी न मैं आती, मेरा मन है चंचल हवा का जैसे झोंका, देना दे ये झोंका मुझको कहीं धोखा, जाने क्या मन कहे आंखें ये चुप रहे, बहता जाए दिल में प्रेम का ये सागर, जल्दी चलो पीछे देखो ना मैं कभी दुनिया को, समाती जाए गीत गाने को दिल करे आसमां को छूलू मैं, मेरे दिल के पिंजरे में हले हले से बोले कुकु कुकु, कोयल बोले रे संगीत सा देखो डोले रे। अरे कौन हो तुम, जंगल में कहीं भी घूमती रहती हो क्या? तुम जंगल परी हो? जंगल परी नहीं हूँ, मैं आपकी मदद करने आई हूँ, डोगरा पांडे के बारे में बताने आई हूँ। तो फिर डोगरा पांडे कहाँ छुपा है, उसके बारे में तुम बता सकती हो? नीली घाटी हो या वालपराई का इलाका हो, डोगरा पांडे उसी जंगल में रहता है, वहां जाकर देखो। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बहन बोलते हुए, मुझे ऐसा लगता है तुझे काट कर टुकड़े कर दूं। ए तूने क्यों बताया भाई के बारे में? बेटी, लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए डोगरा पांडे दिन रात मेहनत करता है, लेकिन तू तो तुम जाओ बेटी। क्या भाई, आप जानते नहीं है कितनी बड़े धोखेबाजी की है, उसको जिंदा क्यों छोड़े हो? डोगरा पांडे जिस मिट्टी में पैदा हुआ है उसी मिट्टी में ये भी पैदा हुई है, इसे जो करना है करने दो। बेटी संभल कर अपने घर जाओ। अरविंद भाई बकरी को चराते वक्त पुलिस तेरी बेटी को पकड़ कर ले गई। बोलो क्या बात है?
आपकी बेटी मर गई ये सुनकर खामोश क्यों हो गए हो? ये मुझे पहले से पता था। मैंने खुद अपनी बेटी को जहर देकर मार दिया। लड़का होता तो पुलिस स्टेशन सिर्फ टॉर्चर करेंगे, लेकिन ये तो लड़की है ना, वो लोग इज्जत लूटेंगे। इज्जत बचाने के चक्कर में मेरी लड़की ने डोगरा पांडे का पता बता देती तो मुझे मेरे दोस्त से ज्यादा प्यार अपनी बेटी से नहीं है। सारा गांव डोगरा पांडे के भरोसे पे है। डोगरा पांडे को बचाने के लिए मैंने अपनी बेटी को मार दिया। ठीक है। बच्ची को मार करके तो बड़ा त्यागी बन गया था। क्यों, मैं बचा नहीं पाऊंगा यही समझ गया ना? क्या मुझे नालायक समझ रहा है तू? वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है। मेरी जान कर भी तू उसको बचा सकता था। पापी, अरे पापी, जल्दबाजी में हाल बना लिया। क्यों रे? तुम लोग अपनी जान देकर बार बार मुझे क्यों बचा लेते हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों के साथ मेरा क्या संबंध है? बताओ, मैं ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा? बताओ भाई, ये सारे गांव वाले के लिए भगवान हो तो क्या हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते? इस नीली पहाड़ी की तरफ डोगरा पांडे हमेशा आता रहता है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। तुम लोग बाद में आना। सर, आप अकेले मत जाइए, बहुत खतरनाक हो सकता है। वो मैं सब देख लूंगा। सर, कल आपको जंगल में एक लड़की मिली थी सरोजा, वो लड़की आपसे अकेले में बात करना चाहती है सर। डोगरा पांडे के बारे में कुछ बताने वाली है सर। क्यों मुझे बुलाया था? डोगरा पांडे कहाँ है मुझे अच्छी तरह पता है। आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाती हूँ आपको। गाड़ी में बैठो। अरे नहीं नहीं, उस जगह हम गाड़ी से नहीं जा सकते हैं, चलकर ही जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं। चलिए। यहाँ से नीचे उतर कर जाएंगे ना तो एक गुफा मिलेगी, डोगरा पांडे वहीं पर है, वहाँ जाकर आप उसे पकड़ सकते हैं। जाइए। वहाँ क्या ढूंढ रही हो? तुमने मुझे मारने के लिए धक्का नहीं दिया, उसके लिए दिमाग चाहिए था। जब तुमने कहा डोगरा पांडे को दिखाती हूं, तभी मुझे तुम पर शक हो गया था। ये सब क्यों किया बताओगी? मैं समझाती हूँ। जिस इंसान की माँ नहीं है उसके लिए वो माँ है, और जिसका बाप नहीं है उसके लिए वो बाप है। अनाथ लड़कियों के लिए वो सगे भाई से भी बढ़कर है, और सिर्फ मैं ही नहीं, एक छोटी बच्ची भी उसको पकड़ने के लिए आपकी मदद नहीं करेगी। हैं? मेरा लड़का लड़कियों से भी बात करता है? यही तो मैं चाहता था। डोगरा पांडे को बिना पकड़े मैं यहां से नहीं जा सकता हूं। तुमने जो गलती की है, मैं इस गलती के लिए तुम्हें सजा दे सकता हूं। बाप रे, ऐसा होगा, मैंने नहीं सोचा था। ठीक है, हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाकर दिखाओ। कहानी किसी और दिशा में जा रही है। ऐसा क्या? अरे बाप रे विजय, ये तू क्या कर रहा है? लड़की का हाथ पकड़ने जा रहा है? डोगरा पांडे कोई भी गलती माफ कर सकता है, लेकिन लड़की के मामले में पता नहीं कोई भी ऊंच नीच हो जाए तो वो कभी किसी को माफ नहीं करता है, इसलिए तू यहाँ से जा, चल जा। ये तुम्हें आखिरी चेतावनी। मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, तू जा, मैं समझाता हूँ। सुनो बेटी, हाथ मत लगाना, मैं तुम्हारे बाप की तरह हूँ। चलो आओ। सुनो, तुम हो कौन? मैं उसका बाप हूँ।
डोगरा पांडे को पकड़ने के लिए परिवार के साथ आए हो? बाप रे, मेरा लड़का डोगरा पांडे को पकड़ने के लिए आया है और मैं उसके काम में टांग अड़ाने आया हूँ। सुनो, तुम चाहती हो ना डोगरा पांडे ना पकड़ा जाए? तो तुम अगर मेरी बात मानोगी तो हम दोनों की चाहत पूरी हो जाएगी। मेरा लड़का जो है ना, वो हर काम में हमेशा आगे रहता है, लेकिन लड़की के मामले में बहुत डरता है। अगर तू उसे इस तरह से छुएगी ना, तो वो तेरे छूने से शहर भाग जाएगा। वो सब तो मैं पहले से ही जानती हूँ। मुझे देखकर लगता है तो कमाल करेगी, लेकिन इसमें अगर कुछ हुआ तो तेरी इज्जत बचाना मेरी जिम्मेदारी है। उसके बारे में आप मत सोचो, आप सिर्फ अपने लड़के की इज्जत बचाओ। उसके लिए मैं उसके साथ रहकर सेंसर करता रहूंगा ना। कल तुम घर आ जाओ, मैं सारी तैयारी करके रखूंगा। बाप रे। नमस्ते भाभी। नमस्ते, अच्छे हैं? देखो डोगरा पांडे कैसे हैं? दर्शन के लिए आए हैं, नारियल दे दूं? अरे रे, ये क्या कर रही हैं आप? ये गांव वाले अगर आराम से रह रहे हैं तो सिर्फ डोगरा पांडे जी की वजह से। मैं आपसे पैसे लूंगा तो पाप लगेगा मुझे। पैसे नहीं लिए तो वो नाराज हो जाएंगे। तो फिर ठीक है। जय हो। अरे सुनो, गलती इनकी और तुम मुझे घूर रहे हो। नारियल का भाव बताओ। 5 रुपए का। क्यों बहन, आपसे माफी न मांगू तो आप नहीं जाओगी? अच्छा ठीक है। बाप रे, ये तो सोनी लग रही है। हटो, दीवार की तरह क्यों बीच में खड़े हो? चलो हटो। बाप रे, हे भगवान, अच्छा क्या तूने मुझे बचा लिया। कल 10 नारियल लाके फोड़ दूंगा। हे भगवान, भगवान का नाम लेने में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, भगवान का मैं ढूंढता हूँ। ये हर तरफ मूर्ति की तरह क्यों खड़ी हो जा रही है? ए भगवान। क्या ये, जहाँ जाता हूँ वहाँ भगवान की तरह प्रकट हो जाती हो? मेरा बेटा कहाँ है? मुझे क्या मालूम लड़का कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है मेरा बेटा? ठीक है, दिखाऊंगा, लेकिन दूर से। और वादा करो कि एक बार उसे देखकर कहीं चली जाओगी, ठीक है? क्या देख रही हो? इतने बड़े घर में तेरा लड़का रहता है ये सोच रही है? अरे ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है, इससे बड़े 2 घर चेन्नई में मेरे लड़के के नाम से है। हमारे लड़के के नाम से है। अरे बाप रे, ऐसा बोले तो भी गलत हो जाएगा। मतलब विजय के नाम से है। अरे बाप रे, लगता है विजय आ गया। चलो चलो आ जाओ। हाँ, यहाँ 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 चुपचाप खड़ी हो जाओ। सिर्फ तुम उसे देखना, वो तुम्हें नहीं देखना चाहिए, ठीक है? चुप। रुक जा, कहाँ जा रहा है तू? पापा, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। सीधा रूम में चला जाएगा? इस गेस्ट हाउस में दूसरी कोई जगह नहीं क्या? विजय, बाहर धूप है या बारिश है? मतलब दोनों में से कोई एक तो होगी ना? मतलब जो भी है बाहर बता देना। क्या कह रहे हो आप? माँ, आ रही हूँ बेटा। इतनी देर कैसे हो गई? कुछ नहीं माँ, अधिकारी आए थे, उनके साथ डिस्कशन हो रहा था। बेटे को इतनी भूख लग रही है, आप उसे बातें किए जा रहे हैं। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, ये सुने तो। चलिए माँ, चलते हैं। आज अपने हाथों से मुझे खिलाओ माँ। हाँ माँ, डोगरा पांडे को पकड़ नहीं सकते ऐसा ये बोल रहे थे। डोगरा पांडे कहाँ जाता है और कहाँ आता है, इसके बारे में मैंने सब पता कर लिया। ये बात पिताजी को समझाइए। डोगरा पांडे के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। उसके आदमी कहीं भी पहुँच सकते हैं, तुम उसको नहीं पकड़ पाओगे। ये जंगल है, जंगल शहर नहीं है। बहन, अभी आपने देख लिया ना, अभी जाओ, अभी जाओ। वो मेरे पति को पकड़ेगा क्या? मैं तो मना करता हूँ, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो मेरे पति को पकड़े बिना नहीं छोड़ेगा, और उधर मेरे पति भी अपने जिद पे अड़े हैं। अब मैं अपने पति को अपने लड़के से बचाऊं या अपने लड़के को अपने पति से बचाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब जी, मुझे एक बार उससे बात करनी है। एक बार तुमसे बात कर लिया तो बाप और बेटा दोनों में से कोई नहीं बचेगा। एक बार उससे बात करवा दीजिए। तुम जंगल के मंदिर में जाकर वेट करो, मैं वहीं आके तुमसे बात करता हूं। नहीं, मैं बात करके जाऊंगी। चलो अब आते वक्त उसे अपने साथ लेकर आइए। चलो यहां से। पापा खाना खाने आइए। अरे आया आया। Thank you.
बहन हाँ? तुम क्या इधर उधर ढूंढ रही हो? सुनो, मैं उसे अपने साथ नहीं लाया, तुम इसके बाद उसे देखना भी मत। मेरी एक और बात ध्यान से सुन लो, तुमने अपने लड़के को देखा, यह बात तुम्हारे पति को नहीं मालूम होनी चाहिए। एक मां से उसके बेटे को अलग करने का कितना बड़ा पाप लगेगा यह मैं जानता हूं, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुनो बहन, तुम तो उसे जन्म देकर भाग गई थी, लेकिन मैंने उसे 25 साल तक पाला पोसा है, लेकिन मैं तो उसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे पति की भी तो यही इच्छा थी। सुनो बहन, जैसा तुम लोग उसके बारे में चाहते थे, आज वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया है, हर जगह लोग उसकी इज्जत करते हैं। मैंने अपना फर्ज पूरा किया, यही तुम दोनों की चाह थी ना, वो मैंने पूरी कर दी। अब तुम वापस आकर मेरी खुशी क्यों छीनना चाहती हो? मैं अपने पति को ये बात बताए बगैर नहीं रह पाऊंगी। ओके, जाओ जाओ, जाकर बता दो, जाओ। पर ध्यान से सुनो, लड़का पुलिस ऑफिसर बन गया ये सुनकर बाप खुश होगा, लेकिन बाप खूनी है ये सुनकर बेटा खुश नहीं होगा। और अगर तुम सिर्फ बाप की खुशी चाहती हो तो चलो चलकर बता देते हैं चल के उसे सब कुछ। चलो, किस सोच में पड़ी हो? सुनो, पति को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है ये सोचकर बेटे को छोड़कर चली गई, तो बेटे के बारे में मत सोचो, अपने पति को बचाओ। कौन हो तुम? पहले आप अपने पति को बुला कर लाइए। सुनिए, जरा यहाँ आइए। अभी आया। आ गई, गेट तो बंद था, मैं कूद कर आ गई। बढ़िया, तू यहाँ क्यों आई है? हाँ, ये बात इनसे पूछो। मुझसे क्या पूछ रहे हो? तूने गलती से इसका हाथ पकड़ लिया, इस बात को नहीं बताने के लिए हमारे घर में काम मांग रही है, वरना ये ब्लैकमेल करेगी। सुनो, अपोजिशन पार्टी अगर लफड़ा करे तो कैबिनेट में मंत्री पद देते हैं, इसलिए ये बात समझ लो। आप कुछ भी करो, मैं कैंप जाकर आता हूँ। अच्छा सुनो, जिस काम के लिए आए वो काम करो। सासू माँ। सासू माँ, ओ तो इस तरह से प्लान कर रही हो, कुछ भी हो मेरे लड़के को यहाँ से भगाओ, चलो शुरू करो। सासू माँ चलिए ना। गुड वर्क, गुड वर्क। बाप रे, ये बच्ची तो कुछ ज्यादा ही चिपक गई, लगता है मेरा लड़का एक हफ्ते के अंदर ही इस काम से इस्तीफा दे देगा। बहुत धन्यवाद माँ जी। क्या हुआ माँ जी? ये किस लिए? ये आप रख लो, समझिए कि आपके बेटे ने ही दिया है। सुनिए, यहाँ पर डोगरा पांडे तो हमेशा आता जाता रहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं लकड़ियाँ चुनने आई थी। इसका मतलब आपने उसको देखा होगा। सर, ये भी उस डोगरा पांडे के सपोर्टर है, हो सकता है हमसे झूठ बोल रही हो। ए, बड़ों से इज्जत से बात करनी चाहिए। माँ जी, डोगरा पांडे के बारे में कुछ पता चले तो आप मुझे प्लीज बताइएगा। Mm-hmm.
अरे रे, बचपन से ही मेरे साथ सो रहा है। इसके आने के बाद अपनी औरत के पास कम सोया हूँ। ठीक है, आज मैं उसी के पास जाकर सोता हूँ। अरे बापरे, मैं इसके पास कैसे सोऊं? मैं तो ये भी भूल गया हूँ। ताना ना ना ताना ना ताना ना ना ताना ना ना ताना ना ना ताना ना ताना ना ना ताना ना ना ताना ना ना। बापरे, कैसे शुरू करूँ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे मैं तो सारी रात वहां सो रहा था, यहाँ कौन मेरी आत्मा है क्या? विजय, विजय पापा, क्या हुआ पापा? अरे पापा तेरा यहाँ है, मैं यहाँ हूँ रे। आप यहाँ हैं? फिर यहाँ कौन है? तू तो इससे लिपट के सो रहा था और मुझसे पूछ रहा है कौन है? तू ही बता कौन है ये। बाप रे, मैं तो तुझे अच्छा समझता था, ये क्या किया? आप क्या कह रहे हैं? ए, 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 तुम यहाँ कैसे आई हो? अरे आप इतने अनजान बनकर बात क्यों कर रहे हैं? आप ही ने तो कहा था कि तुम रात को मेरे कमरे में आ जाना और हम दोनों एक साथ बेड में सोएंगे। पापा, पापा, ए, ए, क्या मैंने तुझे यहाँ बुलाया? मेरे कपड़े नहीं पहने। बाप रे, पापा, पापा, एक मिनट सुनिए। पापा, ये एक नंबर की फ्रॉड है, ये बात पहले भी बताई थी मैंने आपको। क्यों आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? इतना होने के बाद भी। अरे पापा, ये कुछ अलग समस्या लग रही है, मैं डील करता हूँ, तू चल। क्या हुआ? जानना चाहते हो? अच्छी तरह से बताओ ना। अपनी आंखें तो खोलो। इसीलिए तो नहीं देख पा रहा हूँ। हाथ हटाकर तो देखो। कुछ भी नहीं हुआ। एक्टिंग? एक्टिंग में तो तुम टाइटेनिक अवार्ड लोगी। लड़के को कुछ हुआ क्या? देखना, आगे जरूर कुछ होगा। यही तो मैं चाहता था। एक काम कर, कल से तू यहाँ सोना, मैं वहां सोऊंगा। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजान। सुनो, बाकी गाना मैं गाता हूँ। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजान। चुप कर, तू मेरे लड़के को शक करेगी, शौक करेगी कह रही थी, वो तो पत्थर की तरह है, आराम से तीनों टाइम खाना खा रही है, मेरा काम कब करेगी? आप इतनी चिंता मत करो। हाँ, मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया है। वो क्या है? आइए बताती हूँ। पागल है। ए, ए, घर के बीचों बीच उल्टी करेगी क्या? अरे सबको जल्दी से बुलाओ। ओ, इस तरह का आइडिया ढूंढा है, लेकिन ये मामला बहुत रिस्की है। ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू कर। लड़की उल्टी कर रही, सब आ जाओ। लड़की उल्टी कर रही, सब आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, लड़की उल्टी कर रही है, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ बाबा? लड़की उल्टी कर रही है। क्यों कर रही है? आप खुद एक औरत होकर मुझसे इस तरह का सवाल कर रही है? आप इतना भी नहीं समझ सकती, इतने बड़े लड़के को पैदा किया? ये बात आप अपने बेटे से ही पूछो। पापा, मैंने पहले भी कहा था ना, ये एक नंबर की फ्रॉड है, पहले इसको घर से निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो चुप कर बैठे। डोगरा पांडे लड़की का हाथ पकड़ने से हाथ काट देता है, और तूने तो इसे गर्भवती कर दिया। अब तो वो अपने आदमियों को लाकर हमारे पूरे परिवार को काट देगा। चल चलो बोरिया बिस्तर बांधो, अब यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो चलो, ए तू गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, ए गेट खोलो रे। पापा, ये बात लड़की को डोगरा पांडे को बोलने दो। डोगरा पांडे मेरा हाथ काटने यहाँ आएगा और उसको गिरफ्तार करके हम शहर चले जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत रिस्की काम है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, चलिए अंदर चलते हैं। अरे सुनो, अरे सुन बेटा। अरे तेरे इस आइडिया से कुछ नहीं होने वाला, कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, बंद कर अपनी ये एक्टिंग। हैं? क्या कह रहे हैं? फिर क्या? मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, ये बात एकदम सच है।
माँ मैं दोपहर में खाना खाने घर पे नहीं आऊंगा। ठीक है विजय, सुनिए मुझे आम खाने की इच्छा हो रही है, आप लेकर आएंगे ना? सुनिए ना मुझे खजूर खाने की भी इच्छा हो रही है, घर पर नहीं है, आप लेकर आएंगे ना? थप्पड़ तुझे पड़ी या मुझे? एक जवान लड़की को इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह गलत है। बाकी पुलिस वाले गांव की लड़कियों को छेड़ा करते थे, लेकिन मुझे लगा कि आप वैसे नहीं है, इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया। मैं आपको डोगरा पांडे से बचाना चाहती थी, आप इस गांव से चले जाएं इसीलिए ये नाटक किया, इसीलिए नहीं किया था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैंने तुमको प्यार से ही थप्पड़ मारा था।
डोगरा पांडे, तेरी बहन को मारने वाला और ये हाल बनाने वाला मंत्री सुंदर पांडे और उसके वो दोनों दोस्त कोडाई कनेल में स्टेट खरीदे हैं। वो लोग वहां जाने के लिए गांव की तरफ से ही जाने वाले हैं। 25 साल पहले ये हिसाब खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन आज मौका मिला है। हमने आदमियों को बोल दिया कि छोटे बम जमीन में गाड़ दें। आज तो मैं उसको पकड़ कर ही रहूंगा। जीप पे आने वाला है ना, विजय भी उसके साथ आएगा। गंदे लोगों को मिटाने के वक्त अच्छे लोगों की भी मौत हो सकती है। सर, आप जिस रास्ते से जाने वाले थे, अब उस रास्ते से आप नहीं जाएंगे। वेल्लापरी एरिया आपके लिए खतरनाक है, ये खबर अभी अभी मिली है, इसलिए आपका रास्ता बदलना होगा। आप जिस रास्ते से जाने वाले थे, उस रास्ते से मैं जाऊंगा, वहां डोगरा पांडे आएगा। आपने गाड़ी क्यों रुकवाया? उस तरफ से मत जाओ, तुम्हारे जान को खतरा है बेटा। सर, इस तरफ जाइए मत बोले तो डोगरा पानी यहीं कहीं पर छुपा हुआ है, आप इसकी बात मत मानिए। चलो। नहीं, नहीं, मत जाओ, मेरी बात सुनो, रुक जाओ, मत जाओ उस तरफ से, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। ए, गाड़ी रोको। मत जाओ, मेरी बात सुनो। गाड़ी रोको। मैं सच कह रही हूं। बाप रे, ये तो इसके पास ही बैठ गया। अगर इस औरत ने आँख खोल दी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। भाई साहब। जी कहिए। पत्थर तोड़ते समय इसके हाथ में चोट लग गई है, इसे कहाँ दिखाना है बताएंगे मुझे? फर्स्ट फ्लोर। डोगरा पांडे, पत्नी को बचाने के लिए पति आ गया, सोनी को डोगरा पांडे के साथ भेज दिया, तो वो कैसे अपने बेटे से बात करेगी? डोगरा पांडे, मैंने तुझे कैसे पहचान लिया ही ना, तू मेरे हाथ से बच के निकल पाएगा? अरे मत निकल, मत क्या, मेरे टुकड़े टुकड़े मत करना। सुनो, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए रिटायर्ड होने से पहले कितनी बार जंगल में आया था, लेकिन तुम्हें पकड़ने के लिए सीरियसली ट्राई नहीं किया, क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो, भगवान हो तुम। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम मुझे ही मार रहे हो। आप कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं, तुम्हारी पत्नी को बचाना जरूरी है। रुको रुको, अभी यहाँ पर पुलिस का बहुत बंदोबस्त है, मैं कुछ इंतजाम करके आता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। हाँ सर, आपका फोन आया है। हेलो, मैं कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। सुनो ऑफिसर,
तुम हॉस्पिटल में 5 नंबर वार्ड में 8 नंबर बेड में खामखा क्यों बैठे हो? बोलो। सर, डोगरा पांडे के बारे में। क्या डोगरा पांडे बोल रहे हो? डोगरा पांडे को मैंने अरेस्ट कर लिया है। सर आप क्यों? मैंने भी IPS किया है। तुम पर जो मैंने भरोसा किया वो टोटल वेस्ट हो गया, इसलिए मैं खुद जंगल गया और उसे पकड़ लिया। तुम तुरंत यहाँ आ जाओ, दोनों मिलकर पूछताछ करेंगे। ओके सर। जल्दी आओ। सुनो, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? कमिश्नर ने ACP को बुलाया है, तुम लोग भी उनके साथ जाओ। चलो जाओ। हे सुनो, इधर आओ, जल्दी आओ। सावधानी से रहना, मैं आता हूं। डोगरा पांडे आओ, जल्दी आओ। यही है तुम्हारी पत्नी, जल्दी से इसे यहां से ले जाओ। जल्दी करो। अरे लेके जाओ। खड़े क्यों? जल्दी उठाकर ले जाओ इसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाप रे, मुझे तो आपको धन्यवाद कहना चाहिए। आप क्यों धन्यवाद कहेंगे? बाप रे, आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? हम दोनों को साथ में जेल में डाल देंगे, अगल बगल सेल में धन्यवाद कहते रहेंगे। जाओ जल्दी, जाओ यहाँ से, जाओ 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 जल्दी। सोनी बेटी, कौन है वो? हाँ, उसको किस लिए बचाया? बोल, उसको क्यों बचाया? बोलो। ए डोगरा पांडे, किसके ऊपर हाथ उठा रहे हो? 25 साल से इस जंगल में बारिश धूप में हमारे लिए तकलीफ उठाई है, ये सोनी आपको कैसे धोखा देगी? वैसा करे तो करने दो, उसको तंग मत करो। ए चलो चलो चलो, हम चलते हैं। ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा क्यों किया बताओगी नहीं मुझे? मैं बताती हूँ। वो हमारा बेटा है जी। सुनो जी, क्या तुम अपने बेटे विजय से नहीं मिलोगे? बता दूं, आदमी से लड़कर तो मैं जीत गया था, लेकिन मन से लड़कर के हार गया हूं। वो मेरा लड़का है, मैं उसे कैसे बता सकता हूं? तुम्हें उसे जन्म देने के लिए मना किया था, उसके जन्म होने के बाद भी क्या मैं खुश हुआ? उसके पालन पोषण में क्या मैंने मदद की? या उसकी पढ़ाई करके इतने बड़े पद के लिए मैंने तकलीफ सही? नहीं, मैं बाप बन करके अपना फर्ज बिल्कुल नहीं निभाया। अब मैं उसको
अपना बेटा किस मुंह से कह सकता हूं? बताओ, क्या हक बनता है मेरा, मेरी चिता में आग देने वाला? मेरा अपना कोई बेटा नहीं है, मगर इस चिंता से अगर मर भी गया तो मेरी चिता को आग देने के लिए इस गांव में बहुत लड़के हैं, इसका मुझे गर्व है, यही मेरे लिए काफी है। सोनी, क्यों रो रही हो? तुम्हारा रोना मैं सहन नहीं कर पाता, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। भगवान करे मेरे जैसा हाल किसी भी औरत का ना हो। पति को बेटे से बचाना चाहती हूँ और बेटे को पति से, इन दोनों के बीच में और मैं कितना दुख झेलूंगी मुझे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये सह नहीं सकती और सह नहीं पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, होने होगा जी। उसको जन्म देने के बाद मैं पुलिस से अपने पति को बचाने के लिए उसे छोड़ आई, इतने दिनों तक उसकी शक्ल भी देख नहीं पाई, बस अब और मुझसे नहीं होगा, मुझे मेरा बेटा चाहिए, उसके बगैर मैं नहीं रह सकती जी, मुझे मेरा बेटा ला दो। पापा, किसी की भी स्कूल सर्टिफिकेट में, बर्थ सर्टिफिकेट में अलग अलग इनिशियल हो सकता है? कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम तो आईपीएस पढ़े हो, तुम्हें नहीं मालूम? सुनो, एक बच्चे के दो इनिशियल कैसे हो सकते हैं? हाँ? मुझे है पापा। मेरे स्कूल सर्टिफिकेट में आपका इनिशियल है और बर्थ सर्टिफिकेट में दूसरा इनिशियल है। सोनी ने जब बच्चे को हॉस्पिटल में जन्म दिया था, उस वक्त सोनी के पति का नाम डोगरा पांडे दर्ज किया गया। मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में मेरे पापा का नाम डोगरा पांडे के नाम से है। फिर तो वो डोगरा पांडे मेरे पापा हुए। हाँ, तू सही कह रहा है, तू सच में डोगरा पांडे का ही लड़का है। बच्चे का प्यार पाने के लिए मैंने झूठ कहा था, लेकिन ये गलत है। मैंने तेरा अच्छी तरह से पालन पोषण करके तुझे बड़ा किया, मैं गलत हो सकता हूँ। हॉस्पिटल रिकॉर्ड में तू मेरा बेटा नहीं है, लेकिन तू मेरा बेटा नहीं है ये तेरा मन मानेगा क्या? भूल ना मानेगा। अपने माँ बाप के बारे में पता चल गया तो अपने असली माँ बाप के पास जाना चाहता है तू, तो जाना, जाके खुश रहे। लेकिन एक दिन तेरा पालन पोषण करने वाले माँ बाप मर गए ऐसी न्यूज आएगी, उस दिन भी तू बेटा होने का फर्ज नहीं निभाएगा तो चलेगा, पर हमारी चिता के सामने 10 मिनट चार लोगों के साथ खड़े हो जाना। पापा, चलिए चलते हैं। सर, इसमें डोगरा पांडे कैसे खतरनाक बना ये रिकॉर्ड है, देख लीजिए। सर, ये डाकू कैसे बना और इसने क्यों कत्ल किया, ये सब रिकॉर्ड है। सर, ये पब्लिक क्यों उसको पुलिस के हवाले नहीं करती है, इसमें सबूत है सर। ये क्या है? ये मेरा इस्तीफा लेटर है सर। What nonsense? सर, कानून के सामने वो कातिल और डकैत है मिस्टर डोगरा पांडे, लेकिन वो मेरा बाप है सर। What do you mean? हाँ सर, मैं इस हालात में कितना भी सिंसियरली काम करूं, मेरे डिपार्टमेंट के लोग शक की नजर से मुझे देखेंगे। मैं एक गुनहगार का लड़का कहलवाऊंगा। मैं अपने डिपार्टमेंट और वर्दी से बहुत प्यार करता हूं सर, लेकिन इस पद में रहने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा सर। विजय, अभी तक उस डोगरा पांडे को पकड़ने के लिए बहुत से ऑफिसर चले गए थे, लेकिन किसी ने भी डोगरा पांडे के बारे में आज तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं लाके दिया, लेकिन आज वो तुम्हारे पिता जाने के बाद तुमने आज ये सब रिकॉर्ड लाके दिया, इसीलिए किसी भी हालत में तुम अपने फर्ज से नहीं हटोगे।
मैं जानता हूं डोगरा पांडे को सिर्फ तुम ही पकड़ सकते हो, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। सर, अपने अधिकारों से और पुलिस फोर्स से उसको हम नहीं पकड़ सकते हैं। उसको पकड़ने के लिए एक ही हथियार है और वो है प्यार, जिससे मैं पकड़ सकता हूं। ओके विजय, मैं उसके लिए इजाजत देता हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आप यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों? वो क्या है ना, मैं डोगरा पांडे से मिलना चाहता हूँ, इसके लिए तुम मेरी मदद करो। लेकिन उसके लिए तो मैंने पहले ही मना किया था। सुनो, मैं डोगरा पांडे को कैद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी मदद करना चाहता हूँ। वादा? वादा करता हूँ। तो ठीक है। देखो, वहाँ दूर छोटी सी पहाड़ी दिख रही है ना, वहाँ पर एक झोपड़ी है, वो वहीं मिलेगा। मैं सोनी का लड़का हूँ, ये पता है क्या? मैं इसकी माँ हूँ, ये जान गया होगा। इनसे मैं कैसे उसके बारे में पूछूं? आपके पति कहाँ हैं? बाहर गए हैं। किसको मारने गए हैं? इससे आपको मतलब? आपके पति मुझे चाहिए। मैं उनको कैसे भी पकड़ लूंगा, अगर वो खुद सरेंडर हो गए तो उनके लिए अच्छा है, नहीं तो गोली मारकर उनको मुर्दा बनाकर ले जाऊंगा, इसलिए मैं यहां आया हूं। बस करो, ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? गोली मारोगे? गोली मार दोगे? इतनी हिम्मत है क्या तुम में? उन्होंने ठीक ही कहा था, अपने कोख से जन्म देने से पहले तुम्हें खत्म कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। बेटा होकर खुद अपने बाप को पकड़ने के लिए आए हो। ए, तुम्हारे जैसे कितने बड़े बड़े पुलिस वाले आए थे उनको पकड़ने के लिए, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उनको पकड़ने के लिए। तुम क्या कर लोगे? हा? तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारी माँ हूँ, मेरा खून है तू। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो वो तो तुम्हारे पिता है, उनमें कितनी हिम्मत होगी सोचो। सुन लो, अगर तुम उनका बेटा बनकर आए हो तो तुम्हें मिलने का मौका दे सकती हूँ। अगर तुम ये सोच कर आए हो कि ये खाकी वर्दी के जोर पे तुम उन्हें गिरफ्तार कर लोगे तो याद रखना वो भी अपनी ताकत दिखा देंगे। बड़ा आया है बाप को पकड़ने के लिए। बस हो गई आपकी बातें या और बाकी है? पति से इतना प्यार है, लड़के ने इस बात को समझा ही नहीं, आपसे ऊंची आवाज में बात कर ली। आप मेरी माँ हो, मुझे पता चल गया है, लेकिन मैं पिताजी को अभी तक नहीं मिल पाया हूं, तो कैसे बात करूं? क्या तुम बेटा बनकर आए हो यहाँ पर? हाँ माँ। तो फिर तुम उनसे इस तरह मत मिलो, वो क्या है ना, खाकी वर्दी वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। कल सुबह मैं पहाड़ वाले मंदिर पर जा रही हूँ, वहां उनको अपने साथ लाऊंगी, मंदिर में उन्हें गुस्सा नहीं आता है। विजय कुछ तो बोलो,
अपने पिताजी को एक बार पापा कह के पुकारो। जिसमें इंसानियत न हो और कातिल हो, मैं उसको पापा नहीं कह सकता हूं। कानून को बेवकूफ बनाने वाले एक क्रिमिनल को मैं पापा नहीं कह सकता हूं। तेरा लड़का गोली की तरह बात कर रहा है, यही सोच रही हो ना तुम? वो इसी तरह बात करेगा, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि वो मेरा ही खून है। मेरे जैसी हिम्मत भी होनी चाहिए तो ये न्याय है। उसके जन्म के बाद से मैंने अभी तक उसको देखा नहीं था। आज मैं उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हूं सोनी। जाने दो उसको, बोलने दो। अभी भी मैं आपको अकेले कैद करके ले जा सकता था, लेकिन मैंने अपनी मां की वजह से, मैं आपको इज्जत देता हूं और आपको इज्जत से लेकर जाना चाहता हूं। अभी भी वो तुझे मेरा लड़का बोलकर बहुत प्यार करती है। इसकी वजह से ही तुम अभी तक मेरे सामने खड़े हो, वरना पुलिस की जबान में इतनी ताकत नहीं कि ऐसा बोले। सुनो जी, कुछ भी हो, ये आपका आपका बेटा है जी, अपना गुस्सा थोड़ा कम कीजिए और इसे प्यार से बात कीजिए। मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े करो तो भी हमारे उन गरीब भाइयों को याद रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। पत्थरों से टकराकर मेरा दिल बिल्कुल पत्थरों की तरह से ही हो गया है। अब इसमें रहम को ढूंढो मत, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैंने क्या गलती की थी उसके बारे में तुम्हारी गवर्नमेंट ने लिस्ट दिया है। क्या लिखा है बताओ मुझे। हां, मैंने कत्ल किया था उस इंसान का जिसने गरीबों का खून चूसा था। उस खूनी का मैंने खून किया है, इसको कत्ल बोलते हो? हां, मैंने डकैती की उस आदमी की जिसने गरीबों के घर में डाका डाला था। हां, मैंने उनका खून चूसा जिसने गरीबों का खून चूसा था। अगर तुम इसको गलत मानते हो तो बिल्कुल ठीक है। सुनो, मैं अनजाने में यह सवाल पूछ रहा हूं। तुम मुझे पकड़ोगे पकड़ोगे बोलते हो, मुझे पकड़ कर क्या करोगे तुम? मैं कोर्ट में आपको खड़ा कर दूंगा, सच्चाई आपके मुंह से बुलवा दूंगा और इसमें कौन कौन शामिल हैं उन लोगों को दुनिया को दिखा दूंगा। ये तुमसे नहीं होगा। वैसे तुम मुझे पकड़ोगे भी तो मुझे कोर्ट में हाजिर नहीं कर सकते हो। इस एरिया को छोड़कर मुझे जिंदा नहीं ले जा सकते हो यहां से, क्योंकि मैं कोर्ट में मुंह खोलूंगा तो आधे से ज्यादा पॉलिटिशियन को जेल में डालना पड़ेगा। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, तुम बहुत छोटे हो, तुम उन लोगों का कुछ भी नहीं कर सकते हो। सबको पकड़ूंगा। चीफ मिनिस्टर से ऑर्डर लेकर मिनिस्टर सुंदर पांडे ने विशेष रूप में मुझे अपॉइंट किया है। इसमें चाहे जो कोई जितना बड़ा आदमी ही क्यों ना हो, मैं उसको पकड़ कर रहूंगा। इसलिए तुम मुझे पकड़ने के लिए प्यार की बाजी लगाते हो, मैं उसी प्यार को बाजी लगा करके अपने विरोधियों से बदला लूंगा। ये मेरी सोच है। मैं तुझे सरेंडर करके उस सुंदर पांडे से बदला लूंगा। मैं सरेंडर करने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूं। वेल डन माय बॉय, मैं जानता था तुम्हारे अलावा काम कोई नहीं कर सकता था। उस डोगरा पांडे को कहां रखा है? सर, उसको कोई भी पुलिस स्टेशन या कोर्ट में ले जाए तो उसको खत्म करने के लिए मंत्री सुंदर पांडे के आदमी तैयार हैं। इसलिए मैं उसको पुलिस बंदोबस्त के साथ अपनी कस्टडी में रखूंगा। सर, आप सीएम से अनुमति दिलवा दीजिए, उसको सीएम के सामने हाजिर करता हूं। यू आर राइट।
तुझे क्यों जेल से बाहर कराया गया पता है? पता है सर। तेरे आदमी लोग हैं ना? हाँ सर। मैं पहले डोगरा पांडे से बात करके देखता हूँ, मान गया तो ठीक है, वरना तू अपना काम शुरू कर देना। मैं सारे पुलिस वालों को बाहर कर देता हूँ, तुम अपने आदमियों को पुलिस ड्रेस में खड़ा कर देना। क्या देख रहे हो? बैठने के लिए जगह नहीं है। यहां बैठकर सवाल पूछना मेरा काम है और खड़े होकर जवाब देना तुम्हारा काम है। देखते हो, बैठकर बात करने की हिम्मत है मुझ में और खड़े होकर बात करने का डर है तुझे? कोई बात नहीं, सुंदर पांडे, मंत्री सुंदर पांडे, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुमने तो लोगों की जान ली थी और मैंने लोगों को बचाया था। तुम जंगल से पेड़ों को काटकर लूटते थे लेकिन मैंने बचाया था। इसमें मजाक की बात क्या है? तुम देश में राज कर रहे हो लेकिन मैं जंगल में छुपा हुआ हूं। मैं सोच रहा था तुम गंदे हो लेकिन यहां तो सब लोग गंदे हैं। आप एरिया में पता करें तो आपके बारे में सब लोग गलत कहते हैं। महात्मा गांधी, नेहरू जी, कामराजर, अन्ना, इतने बड़े नेता होते थे फिर भी पॉलिटिक्स के कानून में बड़ी बड़ी उनकी पकड़ होती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब की बात करो, अब तू क्या करेगा? मुझे क्या करना होगा? तू कोर्ट में कुछ नहीं बोलेगा? जरूर बोलूंगा। सुनो, तुम यहां से जंगल जल्दी भाग जाओ, तब तुम्हें पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। मैं नहीं जाऊंगा। न्याय या अन्याय, धर्म या अधर्म, बहुत लोगों की जान बचाने के लिए, कुछ लोगों की जान गंवानी पड़ी उसका प्रायश्चित करने के लिए, भगवान ने मेरे लड़के को पुलिस वाला बना दिया और मुझे एक मौका दिया है। मैं सीएम से मिलकर तेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा और तुझे अंदर करवा दूंगा। मेरे लड़के को बड़ा पद मिलेगा। तुम परेशान मत हो, मैं उसे आईजी बनाऊंगा। तुम उसको आईजी बनाओगे, वो इसको नहीं स्वीकारेगा। तुम्हारी तरह से वो उल्टा रास्ते से नहीं आया है। वो मेरा खून है, वो मेरा खून है, वो मेरी तरह कड़क रहेगा। ठीक है, अब तुम कोर्ट में कुछ नहीं बोलोगे। मुझे क्या करना है बोलो। Thank you.
मेरे इतने सालों से खोई हुई जिंदगी, खोई हुई खुशी वापस दे सकते हो? हाँ, मैं नहीं बोलूंगा। मेरी जान से प्यारी मेरी बहन थी, तुम उसको वापस ला सकते हो, फिर मैं नहीं बोलूंगा। मेरे बच्चे को मैंने कंधे पर नहीं उठाया और अपने मुंह से पापा कह के नहीं बुलवाया था, वो प्यार वापस दे सकते हो मुझे? फिर नहीं बोलूंगा। मेरी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में मेरे ससुर ने अपनी जान दे दी, उनकी जान वापस ला सकते हो? बोलो। मैं नहीं बोलूंगा। मेरे भाई की तरह मेरे साथ रहता है अरविंद, उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी खुद की बेटी को जहर दे करके मार दिया था, उसे वापस ला सकते हो? मुझे पकड़ने के लिए जिन अधिकारियों को भेजा था, मेरे गांव में घुसकर उन अधिकारियों ने मेरे गांव की औरतों की इज्जत लूटी थी, उन औरतों की इज्जत वापस मिल सकती है? ठीक है, कहना क्या चाहता है? hey, मैं तुझे इसी जगह पे काट कर फेंक दूंगा। यहां उपस्थित पुलिस मेरा कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन मेरा स्टेटमेंट ही तुझे सजा दिलवा देगा। इस बात को गौर से सुन लेना, इसलिए मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। Thank you.
सोनी, कैसी सोनी? आपकी बाहों में सोनी, मरने की तमन्ना थी। सॉरी, मैंने कानून की इज्जत रखते हुए तुम्हारे साथ यहां आया। अब तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तुम अपने काम में अगर जीत नहीं पाए तो, या मुझे कुछ हो गया तो, तुम मेरी आखिरी क्रियाकर्म भी मत करना। डोगरा पांडे आएगा ये समझकर गरीब लोग इंतजार करते हैं
उनकी मदद अब तुम करोगे, ये वादा करो मुझसे। आज के मुख्य समाचार। अभी तक तो पुलिस ढूंढ रही थी डोगरा पांडे को। डोगरा पांडे और उसकी पत्नी का बड़ी बेरहमी से कत्ल हो चुका है। मंत्री सुंदर पांडे का भी कत्ल हो गया है। यही एक मुख्य कारण है कि एसीपी विजय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विजय ने इस देश की रक्षा करने की कसम खाई है। वो आज भी देश की रक्षा करेगा। वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा, लेकिन कानून को अपना फर्ज भी नहीं भूलने देगा। वो कानून को इज्जत देकर लोगों की मदद करने के लिए अपना फर्ज जरूर निभाएगा। जय हिंद।